GNN ने किया अपना पहला कामयाब साल मुकम्मल। खुशियों भरे लम्हात में शरीक होने के लिए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर भी पहुंचे GNN के हेड ऑफिस। यौम आज़ादी और GNN की पहली सालगिरह का मुश्तरका केक काटा और न्यूज रूम के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं वासिफ महमूद। पंजाब के हर दिल अजीज गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का यौम आज़ादी और GNN की पहली सालगिरह के मौके पर GNN के हेड ऑफिस का दौरा। GNN चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और सीनियर तजियाकार आरिफ हमीद भट्टी और सीनियर सहाफी और तजियाकार और एडवाइजर टू CEO इमरान याकूब खान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने GNN के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जुबैर नवाज चट्ठा से भी मुलाकात की और उन्हें GNN का पहला कामयाब साल मुकम्मल करने की मुबारकबाद पेश की। गवर्नर पंजाब ने चैनल इंतजामिया और न्यूज स्टाफ के हमरा यौम आज़ादी और GNN की सालगिरह का मुश्तरका केक भी काटा। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने जहां GNN के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, वहीं मसला कश्मीर भरपूर तरीके से उजागर करने पर GNN के किरदार को भी सराहा। मैं समझता हूं कि GNN की जो काविशें हैं वो काबिल तारीफ हैं और हम हुकूमत की तरफ से उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। और आप देखेंगे कि साल जो हमने ईद मनाई है वो बोझल तरीके बनाई है, बड़े गम और अफसुर्दगी के साथ बनाई है। गवर्नर पंजाब ने न्यूज स्टूडियो में एंकर के अंदाज में ब्रेक भी अनाउंस की, जिस पर स्टूडियो कश्ते जाफरा बन गया। आप देख रहे हैं GNN, हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गवर्नर पंजाब ने न्यूज रूम का दौरा भी किया। न्यूज स्टाफ को सालगिरह की मुबारकबाद देने के साथ न्यूज की तैयारी से लेकर ऑन एयर करने तक तमाम मराहिल से मुतालिक आगाही भी ली।